हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो है हम बात करने वाले हैं कॉमन कोल्ड और फीवर जो आपको ट्रांजिशन पीरियड में होता है, जो कि मॉनसून और विंटर के बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है। और अभी जो है विंटर स्टार्ट हो चुका है, तो सबको ही ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि सर्दी, खांसी, और ये लीड करके आपको आगे फीवर भी हो सकता है, जिसे हम वायरल फीवर बोलते हैं। तो हमें इसे कैसे रोकना चाहिए, जो अपनी लाइफस्टाइल होती है उसको कैसे सुधारना चाहिए, ये मैं आपको आज बताऊंगी, जो कि एक आयुर्वेदिक बुक में लिखा हुआ है। नॉर्मली जो होलिस्टिक हमारा बिहेवियर है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते, तो इस वजह से हमें बहुत सारे डिसीजेस का सामना करना पड़ता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जो रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, और जो लाइफस्टाइल के कुछ पार्ट्स हैं जो कि आप सुबह उठने से रात के सोने तक कर सकते हो, वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए और एंजॉय कीजिए वीडियो को। पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहली जो रेमेडी है मैं जो आपको बताने वाली हूँ, वो आपको सुबह उठते ही उसे बना के पीना है। तो उससे सारे जो रूट कॉज है ये चीज़ों के जो हमें होती है, तो वो नष्ट हो जाएंगे, हमें कभी भी कोल्ड एंड फीवर एंड कफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो चलिए, अभी आपको एक पैन लेना है जिसको मीडियम फ्लेम पे रखना है, उसमें वाटर डालना है, थोड़े से कटे हुए जिंजर, और फिर टर्मरिक डालनी है, थोड़ी सी क्रश्ड ब्लैक पेपर डालने हैं, विलोय जूस जो ऑप्शनल होता है वो भी आप डाल सकते हो, तुलसी लीव क्रश करके डालनी है, मिक्स करके उसको कवर कर देना है, जिससे उसके मेडिसिनल फ्यूम्स बाहर न जाएँ। उसको आप पोर कर सकते हो स्ट्रेनर के साथ, हनी डाल सकते हो एक चम्मच, और नींबू डाल सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जूस होगा आपके सेहत के लिए। तो ये जो ड्रिंक है आपको बहुत ही स्लोली पीनी है, इसकी बाम आपको यहाँ पे आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा, आपके जो रूट कॉज है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो चीज़ बताना चाहूँगी कि ये ड्रिंक लेने के बाद आपको मिनिमम एक आवर के लिए कुछ खाना पीना नहीं है, पानी भी नहीं पीना, तो ये आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों, जो सेकंड रेमेडी है जो मैं आपको बताऊंगी, वो है स्टीम लेना। हम बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारा खर्चा कर देते हैं, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि आप एक स्टीमर पे भी खर्चा कर लो थोड़ा सा, और उससे जो है, या फिर अगर नहीं भी हो तो कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े से बाउल में आप पानी गर्म करके वहाँ से भी स्टीम ले सकते हो। तो वो भी कैसे लेनी है उसको डिटेल में आपको मैं समझाऊंगी। तो ये रहा, ये है स्टीमर जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास नहीं हो तो आप लार्ज कंटेनर में वाटर बॉइल कर सकते हो। आपको स्लोली ब्रीद आउट और ब्रीद इन करना है, और 2 to 3 minutes के लिए आप कर सकते हो। कोल्ड फीवर और स्नीजिंग से छुटकारा मिल जाएगा। आपको ये डेली फॉलो करना है और इससे आपको 100% फ़ायदा होगा। ये टू रेमेडीज़ हैं जो आप सुबह से शाम तक कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। जो कि स्टीम लेना होता है वो आप दिन में 2 बार लोगे तो बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा, और आपको सीधे सीधे आँख पे स्टीम जाए ऐसी स्टीम नहीं लेनी है। नॉर्मली आइज क्लोज करके स्टीम लोगे तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों, ये था हमारा वीडियो, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बने रहना। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग हेल्थ, फिटनेस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए जय हिंद।